बनी अपडेट डिजिटल न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। 19 जुलाई 2023 को जिला कठुए की बसोहली के शीतल नगर के लिए एक काला दिन था। आपको बताते चले कि बीते वर्ष 19 जुलाई को जमीन धंसने के कारण शीतल नगर में कुछ दुकानें उसकी चपेट में आ गई थी, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारियों की ओर से कई सारे वादे पीड़ित दुकानदारों के साथ किए गए, लेकिन वह वादे भी सिर्फ जुबानी अल्फाज ही बनकर रह गए। पीड़ित दुकानदारों ने सोचा था कि दुकानों का बीमा इस मुश्किल वक्त में काम आएगा, लेकिन वह सुरक्षा बीमा भी मुश्किल घड़ी में कोई काम नहीं आया। पीड़ित दुकानदार अब बीते 10 महीने से लगातार बैंक के चक्कर काट रहे हैं। जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, पीड़ित दुकानदार हर रोज सुबह एक नई उम्मीद के साथ बैंक पहुँचते हैं, लेकिन शाम को एक और भरोसे के साथ मायूस होकर वापस लौटते हैं कि कल हमारा काम शायद हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम है कि बजाज एलियांस इंश्योरेंस कंपनी और बैंक की ओर से उन्हें इस तरह बैंक के चक्कर काटने पर मजबूर किया जाएगा। पीड़ित दुकानदारों ने कहा कि बीते 10 महीनों से लगातार हमें यूं ही बैंक के चक्कर काटने पर मजबूर हो रहे हैं। बताया, हम रोजाना ग्रामीण बैंक शीतल नगर में आते हैं और हमें सिर्फ झूठे दिलासों के सिवा बीते 10 महीनों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा नाम जगीर सिंह है सर। हमने इधर इंश्योरेंस करवाया था, लिमिट ली थी बैंक की, बैंक वालों ने हमारा इंश्योरेंस कटवाया था, अभी तक हमारे को इंश्योर नहीं मिला। इधर लाइट रैली हुई थी पिछले साल 19 जुलाई को, 8-10 महीने हो गए, अभी तक हमें इंश्योर नहीं मिला। हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक वाले बोलते हैं कल आना परसों आना, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। इधर हम डेली इधर बैंक के पास आके बैठ जाते हैं, मैनेजर साहब से बात करते हैं, वो किसी को झूठा फोन करते हैं, हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हमें दिलासा दे के इधर से घर जाना पड़ता है। फिर हमने जो लिमिट बनाई हुई है ये हरास करते हैं हमारे को, पैसे दो। हमारी इन्होंने एफडियां जो करवाई थी वो भी इंटरेस्ट में पूरी कर दी, और जो ऐसे बैंक बैलेंस था वो भी ख़त्म कर दिया। हमारे पास अभी कुछ नहीं बचा है, अभी तक हमारे को 10 महीने होने वाले हैं, अभी तक हमारे को इंश्योरेंस नहीं मिला है। अभी आज भी हम इधर बैठे थे, आपकी आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं हमारे को ये इंश्योरेंस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने इसी तरह से बैंक में आते हैं, डेली आते हैं सर। कितने बजे सुबह? सुबह 10 बजे आ जाते हैं, शाम को 4 बजे आते हैं। क्या कहा जाता है? बोलते नहीं हो जाएगा हो जाएगा, कोई नहीं मानता हमारी बात। हमें कहीं सर्वेयर को बोलते हैं, सर्वेयर को फोन करो, उसको फोन करो, सुनवाई नहीं करता हमारी कोई भी। कितने समय हो गए इस तरह रोजाना आपको बैंक में आते हो? 10 महीने हो गए रोजाना बैंक में। हाँ 8-9 जबकि लैंड स्लाइडिंग हुई उसके बाद दिल्ली आते हैं इधर। जो लैंड स्लाइडिंग जब हुई थी यहाँ पे कितना नुकसान हुआ था आपका? कोई 6-7 लाख का। किस चीज़ की दुकान पर? मेरी अलमारी पेटी की थी। फर्नीचर की अलमारी पेटी की, आयरन का काम था मेरा। जब आपने ये पॉलिसी करवाई थी उस समय क्या कहा था बैंक की ओर से? क्या कहा सर? ये बैंक वाले काटते हैं सर, बैंक वाले काटते हैं, हमें नहीं पूछते हैं कि किस इंश्योरेंस कंपनी में करवाना है आपने नहीं करवाना है, ये खुद ही काटते हैं। ये साल होता है तो ये साल के बाद हम पूछते हैं कि कैसे कटा, ये बोलते हैं कि हाँ इंश्योरेंस कटा है, वो हमें पॉलिसी नहीं हमारे को दी जाती है, अपनी मर्जी से काटते हैं। उस समय कुछ तो बताया होगा आपको कि क्या फ़ायदे हैं इस पॉलिसी के? सर कुछ नहीं बताते हमारे को, जब लिमिट बनी थी उसी समय से काटते आगे आ रहे हैं, और 7-8 साल हो गए मैंने शॉप करते हुए, आज तक हमारे को कोई पॉलिसी मार नहीं दिया, बैंक के तरफ से हमारा ये इंश्योरेंस काटा जाता है। सर पॉलिसी में ये आपका कोई नुकसान हो जाएगा, कोई लैंड स्लाइडिंग होगी, ये आग लग जाएगी तो उसका इंश्योरेंस काटा गया आपका, ये बताया जाता है हमारे को। फिर बाद में कोई कुछ नहीं हमारी कोई बात पूछता। कितने लोग हैं आप सारे जो इस तरह से? हम इधर कोई 7-8 बंदे हैं हर रोज़ बैंक। हाँ जी जी सर, मेरा नाम रमेश कुमार है। क्या मामला है पूरा जिस तरह हम देख पा रहे हैं बैंक के पास आप बैठ के? सर हमारी यहाँ पे एक दुकान थी तो लाइन स्लाइडिंग आने से वो दुकान चली गई सर सारी की सारी, जिसमें कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान था मेरा टोटल, और हमने इंश्योरेंस करा रखी थी बैंक से सर, उसका 6500 रुपया सर, जो कि एक साल का हमारा इंश्योरेंस में जाता था सर,
और उसके बाद सर इन्होंने हमारे को ये कहा था कि आपका जो इंश्योरेंस कटता है उसके आपको हम बेनिफिट देंगे, वो जो आपका लॉस होगा कल उसका हम क्लेम करेंगे, वो करेंगे। सर आज तक वो कुछ नहीं मिला सर। हर रोज इसी तरह से बैंक में आना? हाँ सर, हम डेली यहाँ पर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, इनको पूछते हैं जी। हम सर ऐसे ही बोलते हैं, कभी आज होगा काम, कल होगा, परसों होगा, सर यही डेली बोलते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा बैंक है ये? बैंक सर ये ग्रामीण बैंक अपने पूर्ण में शीतल नगर में पड़ता है सर। ये जी सर अपना नाम बताएं और क्या मामला है? सर मेरा नाम राजकुमार है जी। पिछले साल मेरे हमारी दुकान स्लैटिंग में हो गई थी। स्लैटिंग होने के बाद आप बैंक में आए, इन्होंने हमारा इंश्योर काटा था। इनको पूछा कि क्या आप मेरे कुछ बेनिफिट देंगे? बोलते कोई बात नहीं, हम आपको बेनिफिट देंगे क्योंकि आपका इंश्योर काटा है। करते करते हम एक साल हो गया, साल के बाद इन्होंने कुछ नहीं हमारा सोचा। हम डेली इधर आकर बैठते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं परसों, दो दिन, चार दिन रुको, चार दिन के बाद आपके खाते में पैसे डाल देंगे। जब परसों डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही तो पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने एक बोला कि आपके खाते में कुछ पैसा नहीं पहले डलेगा, न हमारे पास पैसा है। क्या मैनेजर तो बोलते हैं कि आपके दो दिन में पैसा ही ना आपके खाते में डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोलता कि नहीं, आपके खाते में आपका कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे, साल तो पहले हो गया, आपके जो डॉक्यूमेंट नहीं पूरे पहुँचे। हमें ये पूरी फाइलें बनाकर हमने ये भी रखी है, फिर बोलते हैं कि हमें ना मारा तो कोई दुकान सुनाई नहीं है, हम क्या करें। एक दो दिन निकलते हैं तो मैनेजर दुकान पे जाकर बैठ जाते हैं, बोलते हैं आपके जो लिमिट है वो एमपी हो गई है, उसमें खाते में डालो। कहाँ से डालें खाते में? हम गरीब बंदे हैं, जो हमारे पास था वो सब गायब हो गया, नुकसान हो गया, हम क्या करें। हमारी तो सुनाई ना बैंक में है तो ना कहीं है, हम क्या कर सकते। मेरा नाम रतन चंद है जनाब जी। मैं भी दुकान ही करना इतने, ये भी बंदे दुकाना करते हैं बेचारे, और उत स्लाइड हुई एक साल हुई है, तो उद जिंदा सारा नुकसान जो इन्हें कर्जा चुकता बैंक का चुकता या कुछ भी था किस तरीके के ना इन्हें कीता था, वो सारा ही स्लाइड हुई। वो असें ही पता नहीं, लेकिन बैंक की भी पता है और प्रशासन की पता, इतने पुलिस थी, तहसीलदार था और प्रशासन सारा इतना। उस जगह ये समान कढ़ी भी सकते हैं, लेकिन उस वे इन्ना पहाड़ आता है कोई भी अपनी जिंदा वास्ते, तो प्रशासन भी असें उस एरिए जाने इजाजत नहीं दिता। हूँ उत तारबंदी करी दी ही, तो बारिश लगी दी ही, इन्नी बारिश लगी दी कि पूरा पहाड़ आता है। कुछ समान कढ़ने की कोशिश की, लेकिन समान बारिश के बीच चाहे कैसा भी है वो डैमेज हो जाता, वो सारा डैमेज हो गया। मैं चलो ठीक है, बैंक कने रिलेशन है, लिमिटा बन दी ना, पैसा दे देना ने। करते 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 जनाब ये बंदा है सियालगदारे नाला, इतने नहीं दुकान बना दी ही, अच्छी 2-3 मंजिली दुकान बना दी ही। ये मुंडा है, इन्हें भी बैंक के लोन ले, सारा डैम हो जाए। इस बंदे ने अपनी जमीन गिरवी रखी, जिहड़ी जमीन 10 लाख दी ही, 1 लाख रुपए च बेची, इन्हें भी इं बेची तो अपना सर्कल चला दे माड़ा। जमीन बिकी गई, वो जमीन इसलिए अगर वो जमीन जी 1 लाख रुपए की बेची ना, वो इसलिए 50 लाख की है, वो जिम्मेवार कौन है? जा इंश्योर किया इंश्योर वाले हो जा बैंक वाले हो, और इंश्योर बैंक ने किया इंश्योर तो ही करते ना, कोई जिंदगी कुछ हो जाए तो फिर चलो ऐसा सोच ही नहीं सकते। साड़ी लिमिटा इन इस बैंक च, लेकिन अस ही नहीं सोची सकते कि सागी इतों कुछ ताला कटोई आ, कुछ अगजनी हुई है, कोई चीज़ हुई। मिकी नहीं लगता जी जमीन ही चली, जमीन का मकान ही चली गया, उन्हें नहीं थोए तो बाकी लोग जिन्हें भी हैं दुकानदार, क्या तुम उम्मीद रखते कि तुगे थोड़ा कुछ क्या थोग? जिस तरह नहीं जनाब नहीं थोई सकता, मैं आखा ना इस तरीके का नहीं थोई सकता। और जो बैंक इंश्योर करता तो आल फॉर्मेलिटी जड़ियाँ लेंदे न, पूरी फॉर्मेलिटी लेंदे न, उसके बाद पैसे देंदे न, उधर बिटनेस पाते हैं, हर चीज़ लेंदे न। अगर कुछ नया लोन देते तो उसके वास्ते क्या करते हैं कि जिन्नी भी उसकी फिटिंग है, काउंटर है, उसका GST बिल लाओ, ये करो वो करो, बंदे इन्ना परेशान होता कि उसी अज लोन अप्लाई करे तो 6 महीने बाद उसी थोड़ा है, चलो थोई आ। उसके बाद जिसल आते जी थोड़ी फॉर्मैलिटी पूरी है, थोड़ी दुकान इंश्योर हो गई है, तुम टेंशन नहीं, तो चोरी हो, डाका हो, बारिश हो, जो तो फुल पैसा मिलेगा। तो बेचारे पैसे देंदे रहते, वो पैसे देंदे तो रहते, लेकिन उन्हें मिलया के उनकी दुकान चली, उनकी जमीन ही चली। उन लोग एक क्या ठगी दे, ठगी ठग मुझे नाम ठगी थे, करोड़ों रुपए की ठगी पहले भी दिखने के सोशल मीडिया विच की तुसी खबर जस दिखने के कई बारी की होंदा कि लोग ठगी दे शिकार होंदे है। हाँ। लेकिन बैंक दे विच अगर इस तरह लोग खरास होवा दे ते किस तरह दिखदे जनाब? पहले भी रे ये जनाब इथे करोड़ों रुपए दा घोटाला पहले भी होया, थोया कुछ पैसा
इतने एक बंदा है पूरन चकोल, वो बंदा पागल हो गया। ये बंदे भी मैंटली डिस्टर्ब हो गए, इंदी फैमिली सुसाइड करने पर आई दी ने इस वे जिंदे बचे इतने। अस तो भूंड देना जेडे सांदर दे या सियालक दे उठी इतने किराए सवेरे किराया खर्चे दे आटो खर्चे दे आते नहीं इतने। उन्हें बंदे की क्या हालत होग, अस नहीं इतने इन्ना कर सकने, और उनकी दुकाना चली गई, वो किस तरीके ने मैनेज करे थे तो वो रब भी जानता है या ये जानते होंगे भाई सारे को बोलते अस भरा दे नहीं सकते कोई मदद नहीं करते, असं ऑलरेडी बैंक ने लिमिट ले दी है। लेकिन अस के सोच गए कि साढ़ा कोई डाका हो या चोरी हो तो सके पैसे थोड़े मिगी उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि पहले भी इतने बड़ा बड़ा घपला आया कोई दो साल तीन साल पहले की गल है, तो उसका भी कोई कुछ नहीं थोड़ा अपने आप ही ठगे महसूस करा दे लोग अपने आप की मरदा महसूस कर रहे कि असं मर रहे हैं सके कुछ नहीं बैंक नहीं है कुछ बाकी भी कुछ नहीं है कोई प्रशासन का दे जी ये होगा वो होगा कुछ नहीं होगा। लोग जिस तरह अपनी जमा पूंजी बैंक जमा कराते फिर अपने पैसे आस्ते लाइन पर लगते या बैंक वाले फिर अजकल करते लोगों हरास करा दे तो किस तरह देखते हो कि लोग अपना जमा पूंजी पूरी लोग बर्बाद हो गए जनाब लोगों की पूंजी कमाई बैंक च अपने रखते हैं उनकी पूंजियां खत्म हो गई उन्होंने रखना क्या होंगे जो थे उन्होंने पैसे गहने बेची घर डाके पाते मिलीटेंसी है उन्होंने बैंक जमा कराए तो उनका रेहा कख नहीं उन्हें करना पिछले कुदे पैसे जोड़ना तो कहते पैसे करना देना कुछ है। ये बंदे जो जींदा मिसाल है ये है तो बाकी तो जो होंगे तो उन्हें मिसाल पेश करनी है।